गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम. यस बेटा, इट्स आर मैथ्स लेक्चर एंड टुडे वी विल डू टॉपिक ऑफ नियरेस्ट 10. दिस टॉपिक वी हैव डन इन मंथ ऑफ अप्रैल, बट सम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक. सो आई विल मेक दिस वीडियो अगेन. प्लीज लिसन केयरफुली. टुडे आई एम डूइंग एक्सरसाइज 1G and only one topic which is nearest 10. okay, yes beta, nearest 10 means isme hame koi bhi number agar given hai to hame uska estimate laga ke us number ko round karna hai ki kis number ke ye nearest hai. okay, as to estimate means to make an approximately calculation. means कोई भी नंबर हमें दिया गया है, हमें उसका एस्टिमेट कैसे लगाना है अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करके कि ये इस नंबर के नियरेस्ट है. ओके, टुडे वी विल डू नियरेस्ट 10. सो कीप दीज टू रूल्स इन योर माइंड. इफ नंबर इज लेस देन 5, लेस देन 5 मीन्स 5 से छोटा है, देन वी विल राउंड डाउन. मीन्स पीछे वाली डिजिट के नियरेस्ट रहेगा. इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 और 5, अगर नंबर 5 है या ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा है, देन वी विल राउंड अप. मीन्स नेक्स्ट डिजिट के नियरेस्ट होएगा. नाउ आई एम डूइंग 2 डिजिट नंबर. एस्टिमेट दिस नंबर 24 टू राउंड दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10. मीन्स इसका एस्टिमेट कैसे लगाएंगे हम, ये किस 10 के नियरेस्ट है? तो इसके लिए मैं आपको एक वे बता रही हूँ. प्लीज लिसन केयरफुली. फर्स्टली लुक एट वंस प्लेस. वन स्पेस पे जो डिजिट दी गई है उसको माइंड में सेट करो 4. नाउ कीप दिस रूल इन योर माइंड. इफ नंबर इज लेस देन 5, 4, 5. अब 4, 5 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, मीन्स लेस देन है. तो हमें क्या करना है, अगर वन स्पेस पे जो डिजिट है वो 5 से छोटी है तो जो टेंथ प्लेस वाली डिजिट है उसको हम चेंज नहीं करेंगे. उसको एज इट इज राइट करके वंस प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 0. अब 24 नियरेस्ट 10 में किसके नियरेस्ट है? 20 के. ओके, अब 3 डिजिट वाला नंबर देखिए. पहले 2 डिजिट वाला ही देखिए. अब 67. नाउ लुक एट वंस प्लेस 7. 7 इज ग्रेटर देन 5 ना, 5 से बड़ा है 7. अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ा है वो नंबर, तो हम टेंथ प्लेस पे जो नंबर दिया गया है उसमें क्या ऐड करेंगे? 1. 6 + 1 = 7 एंड आगे क्या राइट करेंगे? 0. अब 67 किसके नियरेस्ट है? 70 के, नॉट 60. अब इस वे में आप कर सकते हो. फर्स्टली तो 2 डिजिट वाले देखो, नियरेस्ट 10 में कैसे एस्टिमेट करेंगे हम. अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से छोटी है तो हम टेंथ प्लेस को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ राइट करके आगे 0 ऐड करेंगे. लेकिन अगर नेक्स्ट वंस प्लेस वाली डिजिट 7 से बड़ी है, सॉरी 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करके राइट करेंगे और आगे 0 राइट कर देंगे वंस प्लेस पे. ओके, अब यही सब अगर हम 3 डिजिट में करें तो हमें 3 डिजिट नंबर गिवन है उसका एस्टिमेट लगाना है हमें, लाइक 134. ऐसे 4 डिजिट तक का है हमारा थर्ड क्लास में, तो हम 4 डिजिट वाला भी एक ले लेते हैं. 2352. ओके, अब इनका हमें एस्टिमेट नियरेस्ट 10 का ही देना है, ना 100 का देना है ना 1000 का देना है. आप लोग कैसे करते हो, अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट वाली आपने देखी स्टेटमेंट तो आप इसको 100 में नियरेस्ट कर देते हो और इसको 1000 में कर देते हो, जो कि रॉन्ग है. ऊपर हेडिंग देखो कि नियरेस्ट 10 का ही एस्टिमेट देना है. तो हम कैसे करेंगे, सेम मेथड आप फॉलो करोगे. लुक एट वंस प्लेस 4 लेस देन 5 मीन्स 5 से छोटा है, देन वी विल नॉट चेंज टेंथ प्लेस, वी विल राइट इट एज इट इज. ओके, एंड एड 0. अब 134 का नियरेस्ट 10 क्या आएगा? 130. सेम वी विल डू इन 4 डिजिट स्टेटमेंट. 2 इज ऑल्सो लेस देन 5 ना,
then we will not change tense place. Write it as it is, and at the ones place we will write zero. Up 2352 का nearest 10 क्या है? 2350. लेकिन अगर यही डिजिट हम चेंज कर दें, हेयर आई हैव नंबर 7 एंड हेयर 5. ओके, नाउ सेम मेथड आप फॉलो करके लुक एट वंस प्लेस. 7 इज ग्रेटर देन 5 ना, मीन्स 5 से बड़ा है. जब वंस प्लेस वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो हमें क्या करना है, टेंथ प्लेस पे जो डिजिट दी गई है उसमें 1 क्या करना है, ऐड करना है. देन वी विल राइट हेयर 1, 4 एंड 0. नाउ 137 का नियरेस्ट 10 क्या आएगा, 140. एंड इन सेम वे वी नो इफ नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5, 5 है या 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, सेम टेंथ प्लेस में हमें 1 ऐड करना है. 2360, ओके 2360. अब 2355 का नियरेस्ट 10 क्या आएगा, 2360. दैट्स द टॉपिक ऑफ नियरेस्ट 10. नाउ यू विल सॉल्व फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 1G इन योर PNB. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.